हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बेटा मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत बढ़िया हो गए। अपनी पहले कही आप लोग बहुत ही मस्त झकास तरीके से बेटा कर रहे हो गए। तो जैसे पता कि आप लोग की हम लोग ने हाई स्कूल का मैथ्स का सिलेबस पूरा पढ़ करके फिनिश कर दिया है, और जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके आंसर में दे रखे हैं उनको भी यहाँ से आपको मान लीजिए पाँच पाँच का सेट आपको यहाँ पर मिलेगा। देखिए पहले पूरा वीडियो मत देखिएगा, पहले वीडियो पॉज कर दीजिएगा, ये सारे क्वेश्चन आप खुद से दिमाग में सॉल्व करिएगा या पेन पेपर सॉल्व करिएगा, और ये सॉल्व हो जाते हैं तो आगे बढ़ जाइएगा। भाई टाइम इसमें मत वेस्ट कीजिए, क्योंकि आपके पास अभी इंग्लिश पढ़नी, हिंदी पढ़नी है ना, साइंस पढ़ना है और सारे विषय आपको पढ़ने रहेंगे। तो इसमें क्या है, आप इसको पॉज करिए, वीडियो पॉज करिए, क्वेश्चन देखिए, आपको जो डाउट्स हो वो देखिए, वरना क्वेश्चन आप खुद से लगाइए, आगे बढ़ जाइए वीडियो को ना। तो दोस्तों हम यहाँ पर अपना पहला क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व करते हैं। ये आपको क्या है, इसमें क्या आ जाएगा आपका, आपको डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक से क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो हमारा पहला पहला हमारा आंसर है, आप लोग कह सकते हैं ना कि ब्रह्मा सीरीज जो जो हम लोग की चल रही थी उसी का आगे हम लोग यहाँ पर नया रूप लेकर के आए हैं। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है, कह रहा है प्रूव दैट रूट थ्री इज एन इरेशनल नंबर। तो कह रहा हम हमको दिखाना है कि रूट थ्री आपका इरेशनल नंबर है। तो भाई देखो इरेशनल नंबर क्या होता है, जो पी बाय क्यू के फॉर्म में ना हो। ठीक, अगर देखो इसमें हम करेंगे क्या, जैसे हम हमको करना है प्रूव दैट रूट थ्री इज एन इरेशनल नंबर। तो बेटा हम देखो पहले हम क्या करेंगे, इसमें हम पहले हम रूट थ्री को रेशन नंबर मान करके चलेंगे। तो ये रूट थ्री जब रेशन नंबर की प्रॉपर्टी शो नहीं करेगा तो हम लोग क्या बोलेंगे, ये रेशन नंबर नहीं है। तो दो नंबर आपके होते हैं, या तो रेशन होगा या तो आपका रेशन नंबर हो जाएगा। तो जब ये रेशन नंबर नहीं होगा तो क्या बन जाएगा, ये आपका रेशन नंबर बन जाएगा। ऐसे हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं। तो लिखेंगे लेट, हम क्या लिखेंगे, लेट रूट थ्री इज अ रेशनल नंबर, इसको हम लोग रेशनल नंबर यहाँ पर मानेंगे। बट अगर रूट थ्री आपका रेशनल नंबर है तो ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा, ये आपका पी बाई क्यू के फॉर्म में होना चाहिए। वेयर हम लोग क्या लिखेंगे, वेयर वेयर पी क्यू आर क्या हो जाएगा, आर इंटीजर्स आपके हो जाएंगे, आर इंटीजर्स आपके यहाँ पर ये हो जाएंगे। अब देखो हम क्या करेंगे, इसमें बोथ साइड स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर करके बोथ साइड क्या आ जाएगा, ये आपका रूट थ्री का स्क्वायर आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा, ये आपका पी स्क्वायर आ जाएगा, अपान का ये पी स्क्वायर आ जाएगा। जब इसको यहाँ लिखोगे तो क्या जाएगा, रूट थ्री का स्क्वायर थ्री आ जाएगा, ये आपका पी स्क्वायर अपान का ये क्यू स्क्वायर यहाँ पर आपका ये आ जाएगा। अब देखो क्यू स्क्वायर आपका आ जाएगा यहाँ पर, अब इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। तो क्रॉस मल्टीप्लाई हम लोग करेंगे यहाँ पर, क्या हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा बेटा क्यू स्क्वायर थ्री इंटू, ऐसे सुन लेते हैं, रख सकते हैं कितना पता आ जाएगा, यह पता जाएगा थ्री पी स्क्वायर अपान का क्यू स्क्वायर आ जाएगा। ये इसको लिखोगे थ्री पी स्क्वायर अपान का पी स्क्वायर यहाँ पर ये आ जाएगा। अब देखो ठीक बेटा, अब देखो क्या आ जाएगा कि अब देखो क्या आ जाएगा यहाँ पर कि अब इसको तुम यहाँ क्या बोल सकते हो कि पी स्क्वायर प्रॉपर आपका थ्री से डिविजिबल आपका है। भाई देखो पी स्क्वायर आपका अगर थ्री से डिविजिबल है तो हम क्या बोलेंगे, तो अब ये कैसे डिविजिबल यहाँ पे आ जाएगा, भाई देखो क्यू स्क्वायर आपका ऐसे यहाँ रखो, ये आपका पी स्क्वायर अपान का थ्री आ जाएगा। भाई देखो पी स्क्वायर को थ्री से डिवाइड किया गया तभी तो क्यू स्क्वायर आपका यहाँ पर आया है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, ऐसे हम लोग यहाँ पर इसको ऊपर वाला पार्ट यहाँ लिखेंगे, हम लोग क्या लिखेंगे पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाई थ्री। अब यहाँ देखो बेटा ठीक, पी स्क्वायर आपका थ्री से डिविजिबल हमको यहाँ पर पता है, तो क्या लिख कर लिखेंगे कि पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाई थ्री आपका हो जाएगा। तो देखो अगर पी स्क्वायर थ्री से डिविजिबल है तो पी भी आपका थ्री से डिविजिबल हो जाएगा, पी इज आल्सो, पी इज आल्सो डिविजिबल बाई थ्री आपका हो जाएगा। तो देखो पी जो है थ्री से प्रॉपर डिविजिबल है, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि पी अगर थ्री से डिविजिबल है, भाई यहाँ देखा जाएगा ट्वेल्व अगर टू से डिविजिबल है तो हम लोग क्या बोलेंगे कि ट्वेल्व का एक फैक्टर आपका टू हो जाएगा ना भाई, ना किसी भी नंबर का फैक्टर तो उससे डिविजिबल होता है। क्या बोलेंगे, पी अगर थ्री से डिविजिबल है तो हम लोग क्या क्या लिखेंगे, लिखेंगे थ्री इज अ, थ्री इज अ फैक्टर ऑफ पी, पी का एक फैक्टर आपका थ्री हो जाएगा। अब यहाँ देखो बेटा इसमें इक्वेशन उसको वन यहाँ पर मान लिया जाएगा, तो हम लोग क्या लिखेंगे क्यू बराबर, बेटा अगर यहाँ पर हम लोग क्यू
के पुट कर देते हैं इन इक्वेशन वन। जब बेटा इक्वेशन वन में q बराबर 3k पुट करोगे तो इसको ये वाला पार्ट में ये जो 12/2 वाला यहाँ पर इसको हम रख करते हैं, आगे बताएंगे आपको। अब यहाँ क्या जाएगा बेटा, अब देखो यहाँ क्या जाएगा कि जब आप इक्वेशन वन में पुट करोगे तो 3 बेटा आपका ये ऐसे लिखा रहेगा, ये कितना आ जाएगा आपका, ये कितना आपका यहाँ पर आ जाएगा, 3 नहीं, 3 बराबर नहीं करना है, क्या करना है, पी बराबर 3q हमको यहाँ 3k पुट करना पड़ेगा। जब इतना पुट करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, ये बेटा देखो आपका 3p² ऐसे यहाँ लिखा रहेगा। अब देखो p² हम लोग कितना पुट कर देंगे, ये आपका 3k² यहाँ पे आ जाएगा। अरे इनको सॉल्व करो कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा p² इक्वल आपका आ जाएगा 9k² आपका यहाँ बेटा आ जाएगा। अब कट कर लो, ये आपका यहाँ पर 3 आ जाएगा। अब देखो बेटा कंडीशन क्या बन जाएगी, p² इक्वल आपका आ जाएगा 3k² आपका आ जाएगा। इट मीन्स क्या हो जाएगा कि हमने q² को 3 से डिवाइड किया तभी तक k² आपका यहाँ पर आएगा। तो हम लोग क्या क्या लिखेंगे, लिखेंगे q² इज डिविजिबल बाई 3। अब बेटा q² 3 से डिविजिबल है तो क्या लिखोगे, q इज आल्सो डिविजिबल बाई 3। बेटा q भी आपका 3 से डिविजिबल हो जाएगा। अगर q 3 से डिविजिबल हम लोग क्या बोलेंगे, 3 इज अ फैक्टर ऑफ q। भाई देखो अब p का भी फैक्टर 3 है और q का भी फैक्टर आपका 3 हो जाएगा। तो अब देखो हमने p q क्या माना था, p q आपका रेशनल नंबर हमने यहाँ मान चला। भाई देखो √3 आपका रेशनल नंबर था तो p by q भी आपका रेशनल नंबर हो जाएगा। लेकिन यहाँ देखो बेटा अगर p by q आपका रेशनल नंबर होगा तो रेशनल नंबर की प्रॉपर्टी क्या होती है कि वो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में होते हैं, पी क्यू आपके इंटीजर्स होते हैं और पी की सबसे मेन प्रॉपर्टी क्या होती है, पी क्यू कॉमन फैक्टर आपका 1 होता है। लेकिन यहाँ देखो पी और क्यू दोनों का कॉमन फैक्टर 3 भी हो रहा है ना, 1 तो होगा ही होगा, 3 भी हो रहा है। तो हम क्या बोलेंगे कि पी क्यू हैविंग मोर देन 1 फैक्टर, क्या हो जाएगा, मोर देन 1, एक से ज्यादा इसके फैक्टर यहाँ पर हो जाएंगे। भाई देखो एक मतलब क्या हो जाएगा कि एक से डिविजिबल होगा आपका, एक से ज्यादा से डिविजिबल हो रहा है तो हम लोग यहाँ क्या क्या लिखेंगे, मोर देन फैक्टर 1 और फैक्टर कौन आपका हो जाएगा, 3 आपका हो जाएगा। 3 ऐसा फैक्टर है, भाई देखो पी और क्यू कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 मिलना चाहिए लेकिन यहाँ क्या हो जाएगा, 1 से ज्यादा मतलब 3 भी हमको यहाँ पर मिल रहा है। तो हम क्या बोलेंगे, पी क्यू हैविंग मोर देन 1 फैक्टर आपका यहाँ पर ये हो जाएगा। अब देखो तो हम लोग क्या लिखेंगे, पी बाय क्यू आर नॉट रेशनल नंबर यहाँ पे आ जाएगा। भाई आपका जब पी क्यू का एक से ज्यादा फैक्टर मिला तो हम क्या बोलेंगे कि पी क्यू आपका रेशनल नंबर नहीं है। अगर पी क्यू आपका रेशनल नंबर नहीं है तो हम क्या बोलेंगे कि √3 भी आपका रेशनल नंबर नहीं है। अगर √3 आपका रेशनल नंबर नहीं है तो हम क्या बोलेंगे, √3 इज अ इरेशनल नंबर आपका यहाँ पर प्रूफ हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि पहला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो हम सेकंड क्वेश्चन की यहाँ पर बात करते हैं, इसको हम लोग यहाँ पर रफ करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा रियल नंबर से था, सेकंड क्वेश्चन हमारा मेंसुरेशन अर्थात हमारा सरफेस एरिया वैल्यूम से हमारा सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने आने जा रहा है। सेकंड क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे ही आपको बोर्ड पेपर तक कम से कम 5-5 क्वेश्चन पर डे मिलेंगे, 5-10 ऐसे आपको क्वेश्चन हो सकते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन कह रहा है प्रूव दैट ट्वाइस द वैल्यूम ऑफ द सिलेंडर इज इक्वल टू, मतलब कह रहे हैं अगर आप सिलेंडर के वैल्यूम का दोगुना कर दो, ओके, इज इक्वल टू द मल्टीपल ऑफ इट्स सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया एंड रेडियस ऑफ द बेस। कह रहे हैं कि अगर किसी भी सिलेंडर का वैल्यूम का दोगुना किसके इक्वल हो जाएगा, उसी सिलेंडर का सरफेस एरिया इनटू उसके रेडियस के मल्टीपल के इक्वल यहाँ पे आ जाएगा। तो हमको ये प्रूव करना है कि ऐसा आपका होता है। तो हम लिखेंगे वी नो दैट लिखेंगे वैल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो भाई देखो अगर सिलेंडर की रेडियस r हो, उसकी हाइट h हो, तो उसका वैल्यूम क्या हो जाएगा, पाई r² आपका h हो जाएगा। तो ये वैल्यूम है, अब कह रहे हैं वैल्यूम का दोगुना क्या आता है, तो लिखेंगे ट्वाइस ऑफ वैल्यूम कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा 2 पाई
आर स्क्वायर आप कैसे जाएगा, तो इसको इक्वेशन एक मान लो, ठीक, अभी के लिए इसको इक्वेशन एक मान लो। अब देखो हमसे कह रहा है कि ये किसके इक्वल होगा, ये सिलेंडर के वॉल्यूम का दुगुना किसके इक्वल हो जाएगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर और इनटू रेडियस के इक्वल आपका हो जाएगा। तो लिखेंगे कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ये बेटा आपका है अगर रेडियस आर हो और हाइट उसकी एच हो तो क्या जाएगा, टू पाई आर आपका एच यहाँ पे आ जाएगा। अब बेटा यहाँ देखो, अब तुम्हें क्या आ जाएगा, यहाँ पर लिखेंगे रेडियस ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर की रेडियस कितनी होती है, आर आपकी रेडियस हो जाएगी। अब इनका मल्टीप्लाई कर लो, तो मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा, तो लिखेंगे मल्टीप्लाई कितना यहाँ पे आ जाएगा इनका, तो टू पाई आर एच ये आपका हो जाएगा इंटू आपका आर आ जाएगा, तो टू पाई आर स्क्वायर एच। वो देखो इक्वेशन सेकंड आपका आ जाएगा, देखो आपस में इक्वेशन वन इक्वेशन सेकंड आपस में इक्वल है। बड़ा सेकंड क्वेश्चन आधा छोटा सा क्वेश्चन था, ऐसे आप लोग यहाँ पर कर ले जाओगे। अब जो थर्ड क्वेश्चन की यहाँ पर बात करते हैं, ऐसे सारे क्वेश्चन आपको बताए जाएंगे, तो जो जिन बच्चों को आता होगा वो वीडियो पॉज करके सारे क्वेश्चन देखेंगे, सॉल्व करेंगे, और जिसको नहीं आता वो क्वेश्चन यहाँ पर देख लेगा, आपका क्विक रिविजन हो जाएगा। ऐसे पाँच पाँच क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे हमेशा। तो दोस्तों हम अपने थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है, कह रहा फाइंड द पॉइंट ऑफ द कोऑर्डिनेट्स, हमको उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताना है, क्या बोलते हैं, फाइंड द पॉइंट ऑफ द कोऑर्डिनेट, हमको उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताना है विच इज डिवाइड द पॉइंट, जो पॉइंट को डिवाइड करते हैं। दो पॉइंट आपको दे रखा है, एटलीस्ट कहते हैं यहाँ दो आपको लाइन दे रखी है, क्या एक लाइन आपको हो जाएगा, ये आपका पॉइंट आपका ए हो जाएगा, इसका हो जाएगा जैसे कहा जाएगा ये आपका बी हो जाएगा। तो ए मान हमको दे रहा माइनस का 1.7 दे रखा है, बी आपका हो जाएगा -4.-3 आ जाएगा। अब कह रहे हैं इस पर कोई पॉइंट, मतलब पी कोई पॉइंट आपका हो जाएगा, और पी पॉइंट इस प्रकार से है कि वो ये पॉइंट इस लाइन को 2:3 की रेशियो में डिवाइड करता है। वही कह रहा है, कह रहा फाइंड द पॉइंट्स ऑफ द कोऑर्डिनेट विच इज डिवाइड द पॉइंट, इन पॉइंट्स को किसमें डिवाइड करता है, 2:3 में डिवाइड करता है। दोस्तों क्या हो जाएगा, देखो सर हम मान लेंगे क्या हो जाएगा, पॉइंट एक्स और वाई पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपके यहाँ पर हो जाएंगे, हमको पी के, हमको क्या बोलते हैं ना, पी के हमको कोऑर्डिनेट यहाँ पर फाइंड करने हैं। कैसे फाइंड करेंगे बेटा, यहाँ देखो तो हम लोग कहेंगे वी नो दैट, क्या जाएगा, इंटरसेक्शन फॉर्मूला, भाई इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, अंतःखंड रूप बोलते हैं। तो क्या फॉर्मूला बेटा क्या होता है, एक्स का क्या हो जाएगा, एम एक्स टू प्लस का एन वाई वन आपका हो जाएगा, एक्स वन, हाँ, एक्स वन होता है, क्या हो जाएगा, एम प्लस एन आपका हो जाएगा। अच्छा वाई के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, वाई आपका हो जाएगा एम वाई टू प्लस का एन वाई वन अपान में एम प्लस का एन आपका यहाँ पे हो जाएगा। भाई देखो तो एम इसको, ये आपका एम हो जाएगा, देखो अगर बेटा वैल्यू यहाँ निकालोगे तो ये आपका एम हो जाएगा, ये आपका एन हो जाएगा। एम एन तुम्हारे क्या होते हैं, एन आपके एम और एन आपके रेशियो आपके होते हैं कि जो पॉइंट लाइन को किस रेशियो में डिवाइड करता है। ये आपका हो जाएगा बेटा एक्स वन वाई वन हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा एक्स टू, ये आपका हो जाएगा वाई टू। तो वैल्यू खाली आप हम लोग पुट कर लेंगे, तो एक्स वन कितना आ जाएगा, एम कितना आपका, एम आपका टू है, तो टू इंटू एक्स टू, एक्स टू की वैल्यू आपके यहाँ पर 4 आ जाएगी, प्लस का एन, एन की वैल्यू कितनी, 3 हमने रखी है, 3 इंटू एक्स वन, एक्स वन की वैल्यू -1 है, तो ये बेटा ऐसे आपका लिखा रहेगा। अपान में एम प्लस का एन, तो ये 2+3 कितना जाएगा, ये आपका 5 यहाँ पर आ जाएगा। ऐसे ही वाई निकालोगे तो एम की वैल्यू कितनी आपकी, 2 यहाँ पर हो जाएगी, ठीक बेटा। वाई टू कितना, -3 आपका आ जाएगा, तो -3 ऐसे लिखा जाएगा। प्लस एन, एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एन की वैल्यू हम लोग की 3 आ जाएगी। वाई वन कितना आपका जाएगा, 7, तो 7 आपका यहाँ पर ऐसे लिखा जाएगा। अपान में एम प्लस का एन, आपका 5 यहाँ पर ये आ जाएगा, और मार्कर मार्कर बदलते हैं, ठीक से लिखते हैं, अभी काम कर जाएगा इससे। तो ये बेटा सॉल्व करो कितना जाएगा, एक्स की वैल्यू कितनी आपकी यहाँ पे आ जाएगी, 4 × 2 = 8, और ये माइनस कितना जाएगा, -3, भाई -1 का मल्टीप्लाई इनसे करोगे तो -3 आपका आ जाएगा, अपान में 5 लिखा जाएगा। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 × 3 जाएगा 5 बचेगा, तो 5/5 इसको कट कर लो, तो एक्स की वैल्यू कितनी बेटा आ जाएगी, एक्स की वैल्यू आपकी यहाँ पर 1 आ जाएगी। चलिए इनको सॉल्व करोगे तो कितना जाएगा, 3 × 2 = 6, तो ये -6 आ जाएगा। प्लस ये कितना जाएगा, 7 × 21 = 21 आपका आ जाएगा। अपान का ये 5 आपका ऐसे लिखा रहेगा, ये वाई आपका ऐसे रहेगा, तो वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो 21 में से 6 माइनस करेंगे तो क्या जाएगा,
15 आपका आ जाएगा, और अपन का 5 यहाँ से लिखा रिकॉर्ड करोगे तो आपका 3 यहाँ पर ही आ जाएगा, तो y की वैल्यू 3 आ जाएगी, x की वैल्यू 1, y 3 आ जाएगी। तो ये p के हमें कोऑर्डिनेट यहाँ क्या मिल जाएंगे, आपको मिल जाएगा 1,3 आपका बेटा हो जाएगा। तो ये 1,3 वो पॉइंट होगा जो इस लाइन को 2:1 के 2:3 के रेशियो में डिवाइड करेगा। तो आपको क्वेश्चन सेकंड आपको थर्ड समझ में आ गया होगा। अपने क्वेश्चन नंबर 4 की बात यहाँ पर करते हैं, और मार्कर थोड़ा सा चेंज करते हैं। मार्कर तो बहुत सारे रखे हुए हैं, जो चल जाए वही तो मार्कर हमारे अच्छे माने जाएंगे, बाकी तो सब खराब ही माने जाएंगे। इसको यदि आपको क्वेश्चन में समझ में आ गया होगा, हमसे पॉइंट पूछा, पॉइंट हमने यहाँ पर निकाल दिया है। तो अपने हम दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे, इसको यहाँ पर रफ करते हैं और बस इसको रफ ही करते हैं। आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए। अब मान लीजिए 1 महीना मैंने अपना वादा पूरा किया, मैंने 10 कहा था कोर्स पूरा आपका हो जाएगा, तो कोर्स तो आपका पूरा ही हो गया, 1 दिन बाद ही सही आपको वीडियो दिन बाद मिल जाएगा, लेकिन मिलेगा वीडियो जरूर। तो क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं, तो जो क्वेश्चन होंगे उनको यहाँ से हम लोग रफ कर देते हैं ताकि आपको देखने में अच्छा लगे, इतना भरा भरा बोर्ड ना लगे। तो हम लोग इसको यहाँ पर रफ करते हैं। ये बेटा आपके प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन है, जो आपका सिलेबस से हट गया होगा उसको आप लोग माइनस कर दो। दो बात बेटा ये है ना कि ये वीडियो सीबीएसई बोर्ड के बच्चे भी देखते होंगे, तो उनमें और सीबीएसई बोर्ड के बच्चों में क्या पता ये क्वेश्चंस आ रहे हो, तो उनको फायदा मिल जाएगा। जो यूपी बोर्ड बच्चे हैं उन्हें पता कोर्स आपका सिलेबस कम हुआ है, तो आप लोग क्या करोगे कि जो आपके काम का नहीं उसको आप लोग मत देखना, बाकी आप लोग देख सकते हो। तो हम क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं, तो कह रहा है फॉर विच वैल्यू ऑफ के, मतलब के की किस वैल्यू के लिए दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर। अब कहा जाएगा सर व्हाट इज कोलिनियर, क्या होता है? तो देखो कोलिनियर वो कंडीशन होती है, देखो जैसे मान हम 3 पॉइंट हमने यहाँ पर ले लिए, 1, 2, 3, जब इन तीनों पॉइंट के मिलाओगे तो आपका एक ट्रेंगल का फॉर्मेशन करेगा, एक ट्रेंगल का आपका फॉर्म हो जाएगा यहाँ पर। लेकिन जब ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे आ जाएंगे, मतलब क्या हो जाएगा, अगर ये ए पॉइंट इस लाइन पर आ जाए तो इस प्रकार की कंडीशन ऐसे बन जाएगी। तो ये आपका पॉइंट हो जाएगा यहाँ पर, आपका ए पॉइंट मान लो रहेगा, पहले यहाँ था नीचे बिल्कुल से आ गया है, ये आपका बी हो जाएगा, ये आपका सी हो जाएगा, ये बी आपका सी हो जाएगा। भाई क्या हो जाएगा, देखो यहाँ देखो, जब कोई भी तीन पॉइंट, जब कोई थ्री पॉइंट आपके एक लाइन में ना होकर के आगे पीछे होंगे, तो तीन लाइन जब मिलाओगे तो कोई ना कोई ट्रेंगल आपको मिल जाएगा। लेकिन यहाँ देखो जब आपका पॉइंट ए पॉइंट सीधा बी पर आ जाए, बी सी पर आ जाए, तो इस प्रकार की कंडीशन बन जाएगी। इसी को क्या बोलते हैं, कोलिनियर कंडीशन, मतलब ऐसे तीन पॉइंट जो एक ही रेखा पे होते हैं। ध्यान देना, अगर कोई एक ये तीन पॉइंट अगर एक ही रेखा पे हो जाएंगे तो उस कंडीशन में ट्रेंगल का एरिया आपका जीरो हो जाएगा। तो कंडीशन ऑफ क्या होती है, लिखेंगे कंडीशन ऑफ, कंडीशन ऑफ कोलिनियर, कोलिनियर पॉइंट, कोलिनियर पॉइंट की कंडीशंस क्या होती है। अब देखो बेटा इस पहली कंडीशन क्या होती है, इसमें क्या क्या होती है कि एरिया ऑफ ट्रेंगल इक्वल आपका जीरो हो जाता है। तो देखो एरिया ऑफ ट्रेंगल इक्वल आपका जीरो हो जाएगा। तुमको तीन पॉइंट कौन कौन यहाँ रखे हैं, अगर ए पॉइंट कितना आपका आ जाएगा, मार्कर तो ए पॉइंट आपका क्या आ जाएगा, ए आपका आ जाएगा के कामा माइनस का 1 आ जाएगा। बी पॉइंट तो बेटा क्या आ जाएगा, ये 2,1 आपका आ जाएगा। सी पॉइंट का आ जाएगा 4,5 आ जाएगा। ठीक, हम तो कह रहा है कि के का कौन सा मान ऐसा हो जाएगा, तो के की वैल्यू हम यहाँ पर निकाल देंगे। तो देखो ये आपका हो जाएगा x1 y1 x2 y2 x3 y3 आपका हो जाएगा। ठीक, ये आप लोग अच्छे से इसको लिख लेना है, थोड़ा तो चलो हमें लिख देते हैं इसको, है देखो अच्छे इसको लिखते हैं अच्छे से क्या जाएगा। जैसे आपका ए पॉइंट है तो बेटा ए पॉइंट वहां क्या हो जाएगा, के कामा माइनस का 1 आपका हो जाएगा। तो आपका हो जाएगा x1 y1 हो जाएगा। अच्छा बी पॉइंट वहां क्या हो जाएगा, बी पॉइंट आपका 2,1 दे रखा है, तो हो जाएगा ये आपका हो जाएगा x2, ये बेटा आपका हो जाएगा y2। सी पॉइंट वहां क्या दे रखा है, ये आपका 4,5 दे रखा है, तो हो जाएगा आपका x3, ये आपका हो जाएगा y3 बेटा हो जाएगा। अब देखो ये आपको तीनों पॉइंट हमको मिल गए हैं। अब ट्रैंगल का एरिया बेटा क्या होता है, ट्रैंगल का एरिया होता है क्या होता है, ट्रैंगल का एरिया क्या होता है, 1/2 ये आपका हो जाएगा x1, ये आपका हो जाएगा बेटा y2 माइनस का y3 हो जाएगा, प्लस का x2 आपका आ जाएगा, हो जाएगा y3 माइनस का y1 हो जाएगा, प्लस क्या आ जाएगा आपका, ये बेटा x3 आ जाएगा, y1 माइनस का y2 यहाँ बेटा आ जाएगा। अब देखो ऑन कंडीशन ऑफ कोऑर्डिनेट पॉइंट, जब कोऑर्डिनेट लाइन की जब
तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे हो जाएंगे तो ट्रायंगल का एरिया आपका इक्वल जीरो को हो जाएगा। तो जैसे हम जीरो करेंगे तो ये 1/2 क्रॉस मिल जाएगा, तो आपका जीरो यहाँ पे आ जाएगा, तो एरिया क्या हो जाएगा एक्स वन ये आपका ऐसा रहेगा, क्या जाएगा वाई टू माइनस का वाई थ्री आ जाएगा, प्लस का एक्स टू हो जाएगा वाई थ्री माइनस का वाई वन आपका हो जाएगा, प्लस का एक्स थ्री आपका जाएगा वाई वन माइनस का वाई टू इक्वल आपका जीरो हो जाएगा। ये कौन सी कंडीशन है, जब आपके तीनों पॉइंट कोऑर्डिनेट होंगे। अब बेटा पॉइंट अगर आपके कोऑर्डिनेट हैं तो ये ट्रायंगल का एरिया आपका इक्वल जीरो हो जाएगा, हमने ट्रायंगल का एरिया यहाँ रख करके इसको इक्वल जीरो के कर दिया है। बेटा वन बाई टू करोगे तो जीरो से आपका जीरो ही यहाँ पर हो जाएगा। बेटा एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू एक्स थ्री वाई थ्री की वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर लेंगे, तो एक्स वन आपको दे रखा के दे रखा है, ये आपका के हो जाएगा, प्लस वाई टू माइनस का वाई थ्री, तो वाई वाई टू आपका वन है, वाई थ्री आपका फाइव आपका हो जाएगा, प्लस का एक्स टू आपका यहाँ पर टू आ जाएगा, वाई थ्री माइनस का वाई वन, तो बेटा वाई थ्री कितना आपका हो जाएगा वाई थ्री आपका फाइव हो जाएगा, तो वाई वन कितना हो जाएगा वाई वन आपका माइनस का वन दे रखा, तो आपका माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का वन आ जाएगा, प्लस का एक्स थ्री की वैल्यू आपकी फोर यहाँ पे आ जाएगी, और वाई वन माइनस का वाई टू, तो बेटा वाई वन कितना हो जाएगा माइनस का वन हो जाएगा, वाई टू आपका माइनस का वन हो जाएगा, तो कितना जाएगा इक्वल आपका जीरो यहाँ पे आ जाएगा, तो के अगर बेटा माइनस का फाइव प्लस का वन तो माइनस का फोर आ जाएगा, तो माइनस का फोर के आपका आ जाएगा, प्लस फाइव वन आपका सिक्स आ जाएगा, सिक्स टू ट्वेल्व आपका आ जाएगा, ये आपका ट्वेल्व यहाँ से लिखा रहेगा, प्लस आ जाएगा तो माइनस का वन माइनस का वन माइनस का टू आ जाएगा, जिसको फोर्स करेंगे मल्टीप्लाई तो माइनस का एट आपका यहाँ कितना जाएगा, ये माइनस का एट आपका इक्वल आपका ये जीरो यहाँ पे आ जाएगा। अब देखो ट्वेल्व में से एट माइनस करेंगे तब जाएगा आपका भैया माइनस का फोर के ऐसे लिखा रहेगा, ये कितना जाएगा ये प्लस का फोर आपका इक्वल कितना जाएगा, ये आपका जीरो आ जाएगा, या माइनस का फोर के इक्वल कितना जाएगा ये माइनस का फोर, भाई प्लस का फोर आपका जब दाई हो जाएगा तो माइनस का फोर आ जाएगा, या माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो के की वैल्यू कितनी आ जाएगी फोर अपॉन फोर वन, तो के की वैल्यू बेटा आपकी वन आ जाएगी। तो क्या हो जाएगा कि जब के की वैल्यू इसमें हम वन पुट करेंगे तो क्या आ जाएंगे ये तीनों पॉइंट कहाँ हो जाएंगे, तीनों पॉइंट आपके कोलिनियर हो जाएंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि चौथा क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। अपने बेटा पांचवें क्वेश्चन को चलते हैं, ये आपका प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन है, ऐसे बेटा कर जाएंगे अब हर क्वेश्चन से आपका हर टॉपिक से आपको क्वेश्चन यहाँ पर कराए जाएंगे, आप लोग अच्छे से इसको पढ़िएगा, आपके एग्जाम में क्वेश्चन फंस जाएंगे बेटा इसी में से ही आप लोग, ताकि जो जिसको प्रॉब्लम होगी टॉपिक्स भी वहाँ से पढ़ सकता है जो मैंने इतने सारे टॉपिक कराए हैं यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर पांच की बात करते हैं, पांच नंबर क्वेश्चन कह रहा है टू डाइस थ्रो टुगेदर, मतलब भाई देखो ये हिंदी में थे मैंने उसको इंग्लिश बनाई है, तो क्वेश्चन में आपको समझा रहा हूँ, कह रहे हैं दो डाइस एक साथ फेंके जाते हैं, बड़े ये क्वेश्चन मैंने कराया हुआ है, तो दो डाइस अगर साथ में फेंके जाते हैं तो कह रहे हैं फाइंड द प्रोबेबिलिटी, आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है सेम नंबर ऑन द टॉप सरफेस, मतलब दोनों डाइस के सरफेस पर सेम नंबर आए उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी। ठीक कह रहे हैं डिफरेंट नंबर ऑन टॉप, फिर दोनों डाइस के टॉप पर डिफरेंट नंबर आ जाए, बड़ा जब पहली बात करते हैं तो लिखेंगे टोटल, लिखेंगे क्या लिखेंगे क्या लिखेंगे टोटल आउटकम टोटल आउटकम, ठीक कम टोटल आउटकम्स, ठीक फ्रॉम किससे टोटल आउटकम, इसको रख सकते हैं ना देखो टोटल आउटकम्स कम्स फ्रॉम टू डाइस, मतलब टू डाइस कह जाएगा कि दो डाइस, जब बेटा दो डाइस साथ साथ में फेंकोगे तो टोटल कितनी कंडीशन यहाँ पे आ सकती है, मैंने बताया था 36, भाई एक डाइस में सिक्स नंबर, एक डाइस में सिक्स नंबर, सिक्स किताब का जाएगा 36 यहाँ पर आ जाएगा। तो देखो अगर हम टोटल आउटकम्स को अगर लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे भाई, देखो तो ये कितना आ जाएगा, देखो पहले डाइस पे क्या जाएगा 1,6 आ सकता है भाई, 1,1 यहाँ पर लिखेंगे 1,1 लिखेंगे भाई, देखो जैसे ये करने कैसे आ जाएगी, मैंने डाइस फेंकी ठीक है, ऐसे डाइस फेंकी तो दोनों पर एक एक आ सकता है ना। अब देखो मैंने कहो तो पूरा यहाँ पर लिखा देते हैं, चलो लिखा ही देते हैं आप लोग का यहाँ पर रिवाइज हो जाएगा, क्या जाएगा देखो अब पहले डाइस पर आपका 1 रहे, दूसरे पर आपका 2 आ जाए, ठीक आ जाए पहले पे 1 है, तीसरे पर आपका दूसरे पर आपका 3 आ जाए, ऐसे कह जाए पहले पे 1 है दूसरे पर आपका 4 आ जाए, पहले डाइस पर 1 रहेगा आपका 5 यहाँ आ सकता है, पहले पे 1 रहेगा आपका 6 आ सकता है, तो इतनी पहले एक कंडीशन आपकी ऐसे बन जाएगी। फिर क्या जाएगा कि पहले डाइस पर आपका 2 आ जाए तो इस पे आपका यहाँ पर 1 ऐसे रहे,
एक डाइस पर दो अंक आ सकता है, दूसरे पर आपका वन आ सकता है। ठीक है, आ जाएगा यहाँ पर, पहले पर भी दो आ जाए, दूसरे पर भी आपका दो आ जाए, पहले पर आपका टू आ जाए, दूसरे पर आपका थ्री आ सकता है यहाँ पर। ठीक है, ठीक आ जाएगा, पहले पर आपका टू, चौथे पर ये दूसरे पर आपका फोर आ सकता है। ऐसे करके 2.5 आपका आ सकता है, 2.6 आपका यहाँ पर आ सकता है। ऐसे थ्री वाला करेंगे तो 3.1 आपका आ सकता है, 3.2 आ सकता है, 3.3 आ सकता है, 3.4 आ सकता है, 3.5 आ सकता है, 3.6 आपका यहाँ पर ये आ सकता है। अब देखो क्या जाएगा, चाहता तो मैं सीधे आंसर कराता, लेकिन ये आपका समझ लो प्रोबेबिलिटी भी रिवाइज आपका यहाँ पर हो रहा है। इसलिए एक एक क्वेश्चन को जड़ता बताते हैं कि मानो जो बच्चा अगर अभी शुरुआत करे तो उसको कम से कम पासिंग मार्क्स कम से कम मिल ही जाए। हालांकि 100 में 100 नहीं पा पाएगा, वो बात की बात है, लेकिन पासिंग मार्क्स तो आपके आ ही जाएंगे। क्या जाएगा आपका, 4.1 आपका आ सकता है। अभी देखो जैसे हमने पासा फेंका तो 1 पर 4, 1 पर 1 आपका आ जाए। ठीक आ सकता है, 4.2 आपका आ सकता है, 4.3 आ सकता है, 4.4 आ सकता है, 4.5 आ सकता है, और 4.6 आपका यहाँ पर आ सकता है। अब देखो क्या आ जाए, पहले डाइस पर आपका 5 आ जाए, फिर आपका 1 यहाँ पे आ जाए, तो 5.2 आपका आ सकता है, 5.3 आ सकता है, 5.4 आपका यहाँ पर आ सकता है, 5.5 आ सकता है, और 5.6 आपका यहाँ पर आ सकता है। ठीक है, आ जाए, देखो सर 6.1 आपका आ सकता है। भाई देख, एक डाइस में कहा जाए 6 आ जाए और 1 पर आ जाए, पहले पर 6, दूसरे पर आपका 1 आ जाए। तो सर ये कंडीशन सेम तो है नहीं, भाई सेम नहीं है। इसमें क्या जाएगा, पहले पासे पर 6 आ जाए, दूसरे पर आपका 1 आ जाए। इसमें क्या है, पहले पर 1 आ जाए, दूसरे पर आपका 6 आ जाए। दोनों अलग अलग कंडीशन यहाँ पर है। अगर है 6.2 आपका आ सकता है, 6.3 आ सकता है, 6.4 आ जाए, 6.5 आ जाए, और 6.6 आपका आ सकता है। बेटा ये देखो टोटल आपकी कितनी कंडीशन आ जाएंगी, टोटल आपकी बेटा 36 कंडीशन आपकी हो जाएंगी। अगर आप 2 डाइस फेंकोगे तो आपको टोटल 36 कंडीशन यहाँ पर मिल जाएंगी। तो आपसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहला कह रहा है कि उनकी प्रोबेबिलिटी बताओ अगर दोनों डाइस पर सेम सेम अंक आ जाएं। तो देखो बेटा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 ऐसी कंडीशन बनेंगी ना, तो लिखेंगे पीई, प्रोबेबिलिटी ऑफ किसकी, प्रोबेबिलिटी ऑफ पी कितना जाएगा, ये पहले मैं यहाँ डाइड कर रहा हूँ। ठीक, सेम वाला जाए तो सेम कितना जाएगा, देखो टोटल नंबर बेटा आपके 36 यहाँ पे हो जाएंगे, और सेम सेम कितने हो जाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 ऐसी कंडीशन होंगी जिसमें आपके दोनों टाइम पे क्या आ जाएगा कि सेम सेम पासे पर डाइस पर सेम सेम आपका नंबर रहेगा। तो 6 कर लो इसको, कट करोगे तो 1/6, तो बेटा क्या जाएगा 1/6 प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, सेम नंबर ऑन द टॉप सरफेस, टॉप सरफेस पर डाइस के टॉप सरफेस पर सेम नंबर आपका आ जाए। अब कहते सेम नंबर ना आए तो लिखेंगे कि सेकंड क्या आ जाए कि अभी हमको प्रोबेबिलिटी किसकी बतानी है कि डाइस पर लिखा है डिफरेंट नंबर ऑन द टॉप सरफेस, और टॉप सरफेस पर आपका डिफरेंट नंबर यहाँ पर आ जाए। बेटा यहाँ देखो, ठीक, टोटल कंडीशन पूरी आपकी 36, वो तो आपका नीचे कितना रहेगा, नीचे आपका 36 यहाँ पर अपान में इसके रहेगा। अब बेटा यहाँ देखो, ठीक है, अब 6 तो कंडीशन वो हो गई जिनमें आपका सेम सेम नंबर आ जाए, सेम सेम नंबर आपका आ सकता है। बाकी के 30 कंडीशन ऐसी होंगी, बाकी लो 30 हो जाएंगी, 30 ऐसे कंडीशन होंगी जिसमें डाइस के टॉप पर दोनों में क्या आ जाएगा, डिफरेंट डिफरेंट आपके नंबर यहाँ पर आ सकते हैं। क्या जाएगा ये, क्या जाएगा 30 आपके हो जाएंगी, इसको कट करोगे तो क्या जाएगा 5/6 दोस्तों, क्या जाएगा 5/6 आपका ये प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि ये पांचों क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। ऐसे बेटा आपको क्वेश्चन मिलते रहेंगे, आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए, और दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के दोस्तों जय हिंद।